नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत। फ्रेंडशिप डे के मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया। राहुल गांधी ने रविवार 1 अगस्त को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में पीएम मोदी कुछ उद्योगपतियों के साथ नजर आ रहे हैं। वीडियो शेयर करते हुए राहुल गांधी ने कैप्शन में लिखा कि हम दो हमारे दो की सरकार को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। इस कैप्शन के बहाने राहुल गांधी ने बिना नाम लिए मोदी सरकार को कुछ उद्योगपतियों के लिए काम करने वाली सरकार होने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि यह वीडियो चंद घंटे पहले शेयर किया गया। इस वीडियो को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने कैप्शन में लिखा कि हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू हम दो हमारे दो की सरकार। इस वीडियो पर 1,00,000 से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं और 5,000 से ज्यादा कमेंट आ चुके हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने वैक्सीन की कमी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। रविवार को राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, जुलाई चला गया, वैक्सीन की कमी नहीं गई। राहुल गांधी इस ट्वीट के साथ अपने उस पुराने ट्वीट को कोट किया है जो उन्होंने 2 जुलाई को किया था। राहुल गांधी ने अपने पुराने ट्वीट में कहा था कि जुलाई आ गया लेकिन वैक्सीन नहीं आई। आपको बता दें केंद्र सरकार ने जुलाई में वैक्सीन की कमी को दूर करने की बात कही थी। साथ ही यह भी दावा किया था कि जुलाई के आखिर तक 50 करोड़ नागरिकों को वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन मंगलवार को सरकार ने इस दावे को खारिज कर दिया। हालांकि सरकार ने कहा था कि जुलाई तक कुल 51.60 करोड़ डोज जरूर लगा दी जाए। हालांकि अगर आंकड़े देखें तो यह पता चलता है कि मई और जून के मुकाबले जुलाई में टीका लगने की संख्या में इजाफा हुआ है। जुलाई में रिकॉर्ड 13 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई गई। इस खबर में फिलहाल इतना है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।